जब हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश रचती है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि 45 दिन तक अगर आपने ये काम जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको बताया, मेरी वीडियो देखो मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे चैनल पर आओ मत आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 5 काम आपको करने हैं। इंग्लिश सीखनी है तो 5 काम ये आपको करने हैं। मेरे चैनल की वीडियो देखो मत देखो भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां से सीखना है वहां से ग्रामर सीखो। तुम्हें इनकी नॉलेज चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, इनकी नॉलेज चाहिए, जहां से सीखना वहां से सीखो, मेरी वीडियो देखो मत देखो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपकी इंग्लिश सुधर जाए, तो आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखो बस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें देखो आसान तरीके से आपसे बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, फिर शायद आपके काम की यहाँ पे बात हो रही होगी, ठीक है। तो देखो, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना सारा प्यार दिया। मैंने करीबन 1 साल पहले इस चैनल पे एक वीडियो डाली थी, अपलोड की थी, जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई, और मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स जो हैं वो उस वीडियो से आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी और ज़्यादा हेल्प करूँ, तो मैं इसलिए आज से शुरू कर रहा हूँ यहाँ इस चैनल पर इंग्लिश का कंटेंट। जैसे कि आप जानते हो कि मैं इस चैनल पर अभी तक मैथ्स को पढ़ा रहा था करीबन 10 दिन से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश में थोड़ा उनको हेजिटेशन होती है चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, तो लिखने में, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी ये इम्प्रूव हो जाए। तो इसी वजह से मैंने आज से शुरू करा है। क्या कि जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो समझ जाइएगा कि इस चैनल पे उस दिन से लगातार यहाँ पे वीडियोस आ रही होंगी इंग्लिश चैनल के ऊपर, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ आपके काम की बात। तो देखो, पहली बात तो ये, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में क्या बातें होने वाली हैं, ठीक है, और मैं क्या कराने वाला हूँ, और आपको क्या करना है, और आपके काम की क्या बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप सबसे पहला भाई आपका काम है, अब आपका काम क्या है, आपका ये काम है कि आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। क्या करनी है? रीडिंग करनी है अलाउड, मतलब तेज बोल के क्या करनी है, रीडिंग करनी है, ताकि जो वर्ड्स आप रीड कर रहे हो ना वो आपके कान तक भी पहुँचे, ठीक है। तो रीडिंग करनी है आपको अलाउड, जिसमें आपको कितनी रीडिंग करनी है, तो आपको जो रीडिंग करनी है वो करनी है भाई 5 पेजेस पर डे, ठीक है। हर एक दिन आपको 5 पेज रीड करने का समय निकालना पड़ेगा, 5 दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, जब आपने 5 पेज, अब क्या हो गया, आपके पास तो किताबें नहीं है, मैं डेली 5 पेज कैसे पढ़ूँ, इतने दिन तक 5 पेज मैं कहाँ से लेके आऊँगा, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको, आप चाहोगे तो मैं एक बुक से ऊपर वीडियो बना सकता हूँ कि आप कौन सी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, जो आपको माइंड को ग्रोथ दे और आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, तो वो बुक्स आप रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो, आपको 5 पेज रीड करने, जब आपने 5 पेज रीड किए ना, तो दूसरा जो काम है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो 5 पेज आपको रीड करने पड़ेंगे, इसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे पढ़ना और अलाउड पढ़ना, ताकि कान में आपके वर्ड्स की आवाज़ पहुँचे। मैं इस बार 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 रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मन में रीडिंग मत करना, बोल बोल के रीडिंग करना, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, तो ऐसे आपको रीडिंग करनी है, इतनी ही आवाज़ में, ठीक है। एक और, इतनी आवाज़ में नहीं, मतलब इतनी आवाज़ में कि आप अपनी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ठीक है। चलो, अब सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि आपने जब ये 5 पेज पढ़े ना, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, 10 वर्ड्स आपको 10 वर्ड्स क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। अब कहाँ नोट डाउन करने हैं, अपनी नोटबुक में। अब आज से क्या करो, एक अपनी नोटबुक बना लो, अपनी नोटबुक बना लो, आपको 10 वर्ड्स उसका नोट डाउन करने हैं, और गूगल से, या तो गूगल से, गूगल की मदद से, ठीक है, यहाँ पे एक ऐप आती है ही खोज, उसकी मदद से, इन दोनों की मदद से आप उसकी लिख लीजिए मीनिंग, ठीक है। किस में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लो, ठीक है। जब आपने ये काम किया, जब आपने मीनिंग की हिंदी लिखी, तो आपका बहुत सारा काम ना ईजी हो जाएगा। अब क्या करिए, जब आपने 10 वर्ड्स नोट डाउन कर लिए मीनिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पर 10 वर्ड दिख रहे होंगे जो मैंने नोट डाउन करे हैं रीडिंग से, ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है, कहाँ, एक नोटबुक में नोट डाउन करने, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इस तरह से आपको वर्ड नोट डाउन करने, उनकी मीनिंग भी लिख लेनी है, ठीक है।
दूसरा, ये तो आपको मैं करा रहा हूँ कि आपको ये काम करना है। अब तीसरा काम आपको मैं बता दूँ, तीसरा काम क्या करना है, जब आपने नोटबुक नोट डाउन करे ना मीनिंग, तो तीसरा काम आपका क्या है, आप क्या करो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, ये 10 वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, हिंदी के वाक्य बनाने हैं, हिंदी के वाक्य बनाने हैं। अब देखो मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ, बनाने हैं, मैंने आपसे क्या कहा, हिंदी के वाक्य बनाने हैं। तो इंग्लिश की तो मैंने बात ही नहीं करी, लेकिन आपको इंग्लिश कैसे आएगी वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 वाक्य आपको दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे देखो कि ऐसे तुम क्या करोगे, 10 वाक्य अपने, मतलब देखो जो 10 वर्ड्स थे, जो 10 वर्ड्स थे उन्हीं का इस्तेमाल करके मैंने 10 वाक्य बनाए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करिए, हिंदी के वाक्य बनाए, अब इनको क्या करो, आपका चौथा स्टेप जो होगा, अब आपने 10 वाक्य बनाए ना, इनका इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके इनको कोशिश करो ट्रांसलेट करने की, ठीक है। क्या करनी है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला, इस वर्ड पे ध्यान दो, आपको कोशिश करनी है, ट्रांसलेशन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है 10 की 10। गलत कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि मैंने भी कोशिश करी है और इनको ट्रांसलेट किया है, इन 10 सेंटेंसेस को जो मैंने इन मीनिंग का इस्तेमाल करके बनाए हिंदी में, फिर उनको क्या करा, ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, ठीक है। अब आप कहोगे भैया आपको तो आती है इंग्लिश, अब हम कैसे इम्प्रूव करें, हमें तो बताओ। हाँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ। तो अब है मेरा काम, अब मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा काम है। देखो ये काम था आपका, ये काम क्या है आपका, ये काम भी आपका है। अब मेरा काम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा काम मैं अपने बताऊँगा रेड पेन से, ठीक है। तो देखिए अब आपका इस वीडियो से क्या फ़ायदा होने वाला है, पहला काम तो मैं आपको ये कराऊँगा कि मैं आपको थोड़े जो इंग्लिश जो ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर, ये भाई पेन नाराज़ हो रहा है तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज दूंगा पहले, तो जितनी मेरे को है, ठीक है भाई, मेरे को इतनी तो है कि मैं लिखना जानता हूँ, ठीक है, मेरे को इतनी नॉलेज तो है कि मैं लिखना जानता हूँ, पढ़ना जानता हूँ, समझना जानता हूँ, तो वो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। अब वो नॉलेज क्या होगी, तो वो नॉलेज क्या होगी, पहला सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा टेंस कैसे बनाए जाते हैं, तीसरा मोडल्स कैसे बनाए जाते हैं, चौथा वॉइस कैसे ट्रांसलेट होते हैं, पांचवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, ये 5 चीज़ें। छठा आर्टिकल का इस्तेमाल, ए एन एंड द का इस्तेमाल, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये सारी चीज़ें ना मेरा काम है आपको कराना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, आपकी ना ट्रांसलेशन ना बिल्ड हो जाएगी, ट्रांसलेशन आप करना सीख जाओगे। देखो जैसे अभी मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाए थे कि मैंने 10 वर्ड्स लिखे, फिर कैसे लिखे मैंने कॉपी में, उन 10 वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने किस में, हिंदी को ट्रांसलेट करने, हिंदी मैंने सेंटेंस बनाए, अब फिर मैंने उनसे क्या करा, ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। अब आपको तो आती नहीं है, आपको सिर्फ कोशिश करनी है, गलत करो सही करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज की बात करें, तो ये इतनी नॉलेज आपको चाहिए इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ज़्यादा बड़ी नॉलेज ये इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो दूसरा काम है ना, ये वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी क्या है, ये शब्द जो हमारे जो मन में, जो माइंड में हमारे शब्द होंगे, हम उन्हीं को तो ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या कि हर वीडियो, अब देखो वीडियो कैसे आएगी वो भी मैं चलो बता ही देता हूँ। देखो जो वीडियो इस चैनल पे आने वाली है, ये मेरा काम है, इस काम को मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा 5 वीडियो पर वीक, मतलब आपको हफ्ते में मेरे को इंग्लिश कंटेंट के ऊपर, किसके ऊपर, इंग्लिश कंटेंट के ऊपर आपको हफ्ते में 5 वीडियोस मिला करेगी, जिन वीडियोस का इस्तेमाल करके
आप कर सकते हो कि इनका ये जो मैंने आपको बताया ना, जो मैं आपको ग्रामर की नॉलेज दूंगा, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, वो मैं ये चीज़ें कराऊंगा इस 5 वीडियो में। दूसरा, वोकैबुलरी का पोर्शन भी क्या होगा, इसमें मैं आपको कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स दूंगा डेली डेली, मैं आपको 10 वर्ड्स दूंगा, मतलब हर एक वीडियो में कितने वर्ड दे रहा हूँ मैं, 10 वर्ड्स दूंगा जो आपको याद कर लेने। याद रखना कि मैं तो जो वर्ड्स दे रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे जो इस्तेमाल करने हैं ना, क्योंकि देखो जो यहाँ से आप निकालोगे ना, ये अपनी नोटबुक में लिखोगे ना, तो यही आपको याद रहने वाले हैं। देखो मैं आपको दूंगा स्क्रीन पे, आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसको लिखा नहीं लिखा, अगर उसको कॉपी में लिख लोगे तो वो शायद आपके काम आ जाए, लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया तो वो आपके काम नहीं आने वाला। तो ये काम करने वाला हूँ मैं, इतना काम तो मेरा है, आखिरी काम आपका। 4 हो गया, 5वां काम आपका आखिरी क्या है, आपको क्या करना है कि जो आपने 5 पेजेस पढ़े थे ना, उसमें से आपको क्या करना है, 10 लाइन मतलब एक पैराग्राफ है ना, वन पैराग्राफ आपको यहाँ से एक पैराग्राफ उठाना है, उसको रीड करना है केयरफुली। कितनी बार करना है, कम से कम भाई इसको 2 से 3 बार करना, 2 से 3 बार करना, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से करना, ठीक है। उससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, समझने की कोशिश करना, समझ में ना आए ना तो क्या करना, साथ में मोबाइल लेके बैठना, ही खोज डिक्शनरी के साथ, जो वर्ड की मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही, अब इनको लिखना नहीं है, हर एक वर्ड को लिखना नहीं है, बस आपको ही खोज की मदद से क्या करना है, आपको वो वर्ड्स की मीनिंग देख लेनी है, फिर उस पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इस काम को तुम शायद मेरे हिसाब से 15 मिनट लगेंगे आपको, ये काम करने में कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो आपको ये करने से जितना आप में चेंज आएगा ना, वो शायद आप ही बताइएगा मेरे को, जब से आपने शुरू करा ये, उसके करीबन मैं बता रहा हूँ 30 दिन बाद आप में ना चेंजेस दिखने लग जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए वर्ड्स मैं दे रहा हूँ, ये ग्रामर की नॉलेज मैंने, आप ग्रामर के लिए आपको ना कोई बुक देखनी है, कुछ नहीं देखना, जितनी नॉलेज मैं आपको दूं अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इनफ है, ठीक है, ये बात हो गई। तो इतना काम आपको करना है, तो इन 5 स्टेप अगर आपने कर लिए अगले 45 डेज 45 दिन, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने शिद्दत से करें ना, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश रचती है, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि 45 दिन तक अगर आपने ये काम जो मैंने आपको बताया, मेरी वीडियो देखो मत देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे चैनल पर आओ मत आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 5 काम आपको करने हैं, इंग्लिश सीखनी है तो 5 काम ये आपको करने हैं, मेरे चैनल की वीडियो देखो मत देखो भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जहाँ से सीखना है वहाँ से ग्रामर सीखो, तुम्हें इनकी नॉलेज चाहिए, जहाँ से सीखना है वहाँ से सीखो, मेरी वीडियो देखो मत देखो कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश सुधर जाए, तो आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखो बस, ठीक है। ये क्या है, ये तो भाई मैं वीडियोस डालूंगा, आपको देखना देखो मत देखो ये आपकी मर्जी है, इनको लाइक करो डिसलाइक करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये 5 ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये काम मैंने किए हैं ना, तभी मैं ये आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश मैं कोई भी किताब समझ लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक किताब देना चाहता मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आपके पास एक ये किताब है ना, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, ये जो बुक है ना, इस बुक को आप रीड करो एक बार, इस बुक को लो रीड करो, मैं बता रहा हूँ, मैं इस किताब को पूरा समझ चुका हूँ, मैंने ये किताब अभी ख़त्म करी है, हाल ही में 1-2 दिन पहले ही ख़त्म करी है, ठीक है। बहुत अच्छी इंग्लिश, मतलब अच्छे लेवल की इंग्लिश इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको ये किताब समझ में आ गई ना, इसका मतलब आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसकी इंग्लिश जो लिखी हुई है ना वो अच्छे लेवल की लिखी हुई है, इसमें वर्ड्स इस्तेमाल किए गए अच्छे लेवल के। देखो मैंने कुछ इसमें वर्ड्स इसमें हाईलाइट किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने हेगेमनी अगर आपको दिख रहा है तो देखो हेगेमनी एक वर्ड मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हाईलाइट करे, देखो इधर ये दिख रहा है ये नीले पेन से, कॉन्स्पिक्यूस, रिसेप्टिव, ठीक है। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, ये बुक आप पढ़ के देखो और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बताना कि कैसी है, ठीक है। अगर आपको ये बुक समझ में आ गई तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो तब तो इसका मतलब आपको मेरे लेवल की इंग्लिश आती है, अगर आपने ये समझ ली,
ठीक है। रही बात 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की इंग्लिश की बुक, वो मैं समझ लेता हूँ, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं इसी भी हाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो देखो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको ऐसे ही आगे बता दूँ। तो ये काम करिए, वीडियो देखो मत देखो वो आपका काम है, ये काम आपका काम है। तो मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे होंगे जो मैथ सीखना चाहते होंगे, तो इस चैनल पे लगातार मैथ की वीडियो आ रही हैं। कहाँ से कहाँ तक? लेकर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 10th तक की मैथ्स मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं मैथ्स तो आइए, बिल्कुल आइए। अगर हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम में मैथ सीखना चाहते हैं कि अब अगर आप हिंदी मीडियम में आपकी मैथ्स है इंग्लिश 6th क्लास की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, तो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आप विजिट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा मैं, तो वो आप जाके देखिएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हिंदी में आपको मैथ्स मिल जाएगी। इस चैनल पे इंग्लिश का कंटेंट और इंग्लिश में मैथ मिलेगी, ठीक है, जिसमें बात तो मैं हिंदी में करूँगा लेकिन लिखा आपको सब कुछ इंग्लिश में होगा, लेकिन उसमें मैं बात हिंदी में करूँगा, लिखा भी सब कुछ हिंदी में होगा दूसरे चैनल पर, ठीक है। तो मैथ सीखना है तो वहाँ सीख लीजिए, इंग्लिश में सीखना है मैथ्स तो यहाँ सीख लीजिए, इंग्लिश तो मैं आपको कराने वाला ही हूँ। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।